नमस्कार एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर आज हम लोग बात करने वाले हैं सन उन्नीस की टीवी सीरियल महाभारत की जी हाँ और इसमें एक ऐसा किरदार था जिन्हें हम चाह कर भी नहीं भूल पाएंगे वो किरदार है द्रौपदी की और द्रौपदी की किरदार सुप्रसिद्ध अभिनेत्री रूपा गांगुली जी ने निभाई थी और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा रूपा गांगुली जी द्रौपदी के किरदार के साथ साथ महाभारत टीवी सीरियल में एक गीत भी गाई थी जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं महाभारत धारावाहिक दूरदर्शन के बाद अब कलर्स चैनल पर प्रसारित तो हो रहा है उसमें द्रौपदी की किरदार निभाने वाली अभिनेत्री रूपा गांगुली ने धारवाहिक से जुड़ी कई बातों को याद करते हुए बताया है कि मेरी हिंदी कमज़ोर थी इसीलिए मैं अपने किरदार की तैयारी के लिए सबसे पहले सेट पर पहुंचती थी रवि चोपड़ा जी वक्त के पाबंद थे कोई देर से आए ये उन्हें पसंद नहीं था मुझे दोगुनी मेहनत करनी पड़ती थी इसीलिए मैं सुबह सात बजे के काल टाइम से ही दो घंटे पहले पाँच बजे ही पहुंच जाया करती थी रूपा ने महाभारत में खुद पर फिल्म एक सीन के लिए गाना भी गाई थी और वह बताती है वह गाना था नैनों के दर्पण में जिसे गाने का अनुभव कमाल का था दरअसल शो के मेकर गाना गाने के लिए एक आवाज़ की तलाश में थे और रवि जी ने मुझसे गाने के लिए पूछा मुझे पता था कि मैं गाना गा लूँगी क्योंकि मैं बचपन से ही गाती थी और मैंने रवि जी को कह रखा था कि अगर आपको मेरा गाना पसंद ना आए तो आप किसी पेशेवार गायिका से गवा लेना और मेरा गाना सबको पसंद आया और मेरी आवाज़ को ही शो में रखा गया उन्होंने यह भी बताया जब यह शो पहले प्रसारित हुआ था तब हमने सुना था कि जिन स्टेशनों पर टीवी लगे होते थे वहां ट्रेन को रोक दिया जाता था ताकि लोग महाभारत देख सके तब हम शूटिंग में इतने व्यस्त थे कि यह सीरियल देखने का मौका ही नहीं मिला अब घर अब घर पर बैठ कर जिन सारे एपिसोड देख पा रहे हैं और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा पहले जूही चावला को ऑफर हुआ था ये रोल महाभारत में रूपा गांगुली से पहले द्रौपदी का अहम रोल बॉलीवुड के सुपर स्टार जूही चावला को ऑफर किया गया था अगर जूही इस रोल को वहाँ कर देती तो आज इस शो का हिस्सा होती लेकिन जूही ने इस सीरियल को करने से इनकार कर दिया दरअसल उन्हें आमिर खान की फिल्म कैमत से कैमत तक में काम करना था इसके चलते ये रोल रूपा गांगुली के पास आ गया और रूपा गांगुली जी ने द्रौपदी किरदार इस तरह से निभाई कि इन्हें लोग आज तक नहीं भूल पाए तो आप लोगों को रूपा गांगुली यानी द्रौपदी किरदार कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तो आज हम लोगों ने बात की हमारे भारतीय सिनेमा जगत के सुप्रसिद्ध अभिनेत्री रूपा गांगुली जी की तो और इसी तरह के जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज दोस्तों हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए